नमस्कार साथियों, कभी कभी हमें हिप जॉइंट में अचानक से पेन हो जाता है और कभी कभी ये पेन हमें काफ़ी लंबे समय तक परेशान करता है। इसके होने की जो मुख्य वजह होती है वो होती है हमारी लॉन्ग सिटिंग, कभी कभी कोई पुरानी चोट, आर्थराइटिस, पायरिफोमिस, जो पायरिफोमिस मसल्स होती है वो कई बार इस जगह पे नर्व को कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से भी हिप में पेन आता है। और कभी कभी ये स्लिप डिस्क से रिलेटेड भी होता है, जो कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है जहाँ छल्ला सरक जाता है, उसकी वजह से भी कई बार रेडिएटिंग पेन हमें हिप जॉइंट में फील होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग्स जिन्हें कर आप इस तरह की प्रॉब्लम से तुरंत निजात पा सकते हैं। साथियों, यूँ तो हमने हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सियाटिका, पायरिफोमिस सिंड्रोम, नी पेन, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, पैरालिसिस, इन सब के ऊपर बनाए हुए हैं। और हमें ये बहुत खुशी है कि आप सब लोगों ने उन्हें लाइक किया और उनका बेनिफिट लिया। अब जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जो जनरली हिप जॉइंट पेन, जो जनरली हिप के अंदर जो पेन आता है उसके लिए हम बता रहे हैं। लेकिन साथियों, अगर ये एक्सरसाइज आप वैसे भी रूटीन में अगर डेली करते हैं तो आप कमर दर्द और हिप जॉइंट जैसी प्रॉब्लम से हमेशा दूर रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, दोनों पैरों को इकट्ठा करना है और इन्हें थोड़ा दूर लेकर जाना है, इतना दूर कि जितने आपके शोल्डर हैं लगभग उनसे थोड़ा सा और बाहर पैर चला जाए। इस पोजिशन में आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले पैर का घुटना दूसरे पैर पर टच करना है, इस तरह से। जैसे यहाँ टच होगा आपको यहाँ स्ट्रेच फील आएगा, स्ट्रेच आ रहा है, इसे आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर इसे वापस अपनी जगह लेके आएंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पैर का घुटना दूसरे वाले पैर पे टच करना है। इसे आप सेल्फ भी कर सकते हैं, आप जितना अपने आप लेकर आएँ उतना अच्छा है, लेकिन अगर टाइटनेस ज़्यादा है तो आप किसी की हेल्प से इसे स्ट्रेच करवा सकते हैं। जैसे स्ट्रेच करेंगे तो आपको हिप जॉइंट से लेके बैक तक स्ट्रेच आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को 5-5 टाइम दोनों पैरों से करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक पैर को अपने हाथ से पकड़ना है, इसे अपने हाथ से पकड़ लीजिए और दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। इसे अपने टुवर्ड योर शोल्डर लेके जाना है। जैसे राइट साइड का आपका नी है तो इसे राइट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे और इसे 5 सेकंड यहाँ स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन इसे धीरे धीरे वापस रिलैक्स करेंगे। पूरा नहीं छोड़ना, यहीं तक छोड़ना है और देन इसे अगेन स्ट्रेच करेंगे और 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से आपको एक बार 5 टाइम राइट वाले से और 5 टाइम लेफ्ट वाले पैर से रिपीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक पैर को मोड़कर और दूसरे वाले पैर के घुटने के थोड़ा सा ऊपर रखना है। जैसे यहाँ आपका घुटना है तो इसे थोड़ा सा यहाँ पर ले लें। अब क्या करना है, आपको इस वाले पैर के घुटने को जितना हो सके बेड पर टच कराने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके इसे बेड पर टच कराएंगे। जैसे आप टच कराएंगे आपको अगेन हिप जॉइंट पे स्ट्रेच आएगा। आ रहा है मैडम? 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन इसे हल्का सा रिलैक्स छोड़ देंगे। पूरा नहीं ले जाना, बस रिलैक्स छोड़ना है। इसे भी आप अगर आप सेल्फ कर सकते हैं तो आप इसे सेल्फ स्ट्रेच करिए, वरना आप किसी की हेल्प से यहाँ थोड़ा स्ट्रेच दिलवा सकते हैं। और अच्छा स्ट्रेच पाने के उसे यहाँ से प्रेस करके रख सकते हैं और इसे पूरा स्ट्रेच करेंगे। इससे आपको काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। इस तरह से आपको 5 टाइम राइट वाले पैर से करना है एंड देन दूसरे वाले पैर को मोड़कर इसे भी आप 5 टाइम स्ट्रेच करेंगे और 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए दोनों पैरों को समेट लीजिए। साथियों, ये जो जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ ये थोड़ी टेक्निकल हैं,
तो आप वीडियो को अच्छी तरह देखें, पूरा लास्ट तक देखें, और किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट करके हमसे सवाल कीजिए, और इसे पूरा अच्छी तरह समझने के बाद आप इन एक्सरसाइज से बहुत ही अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। बैक पेन, हिप जॉइंट, इस तरह की प्रॉब्लम से आप हमेशा दूर रहेंगे और बॉडी में एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी फील करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए ध्यान रखें, आपने जैसे ही इस पैर को मोड़ा और इसे आप दूसरे वाले घुटने पर रखेंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जिस पैर पर रखा है आपने उस पैर की थाई को पकड़ेंगे और इसे अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे स्ट्रेच करेंगे जो अपोजिट पैर है वहाँ आपको एक स्ट्रेच आएगा, आ रहा है इस पैर में, इस तरफ आपको स्ट्रेच आएगा। इसे आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, पूरा पैर फ्लेक्स कर देंगे, टच करा देंगे, एंड देन अगेन इसे स्ट्रेच करेंगे। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है जिससे आपको हिप जॉइंट, पायरिफोमिस और बैक पेन जैसी प्रॉब्लम में बहुत फ़ायदा मिलता है। 5 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। इसी तरह से आप इस वाले पैर को रेस्ट कराकर और फिर दूसरे वाले पैर को रखकर और इस थाई को होल्ड करके अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। साथियों ये ध्यान रखें कि कभी कभी ऐसा होता है, जो हम एक्सरसाइज बता रहे हैं वो कभी कभी किसी के एक्सरसाइज में आपको पेन हो तो आप उस एक्सरसाइज को ना करें, कुछ दिनों बाद शुरू करें, लेकिन जो आपसे हो सकती है उन्हें आप ज़रूर कंटिन्यू करें। 5 सेकंड होल्ड करके एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक पैर के एडी को दूसरे पैर के घुटने पर रखना है और फिर इसी घुटने को अपने हाथ से पकड़ेंगे और इसे अपोजिट शोल्डर, ध्यान रखें जो सेकंड एक्सरसाइज की थी आप उसमें हमने सेम शोल्डर की तरफ लेके गए थे, अब इसे आप अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे और देन अगेन आप एक अच्छा खासा स्ट्रेच अपने हिप जॉइंट, अपने पायरिफोमिस मसल्स पर फील करेंगे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे, पूरा नहीं छोड़ना, इतना सा रिलैक्स करेंगे एंड देन इसे अगेन अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। इसी तरह से आप इस पैर को 5 टाइम इस वाले पैर से स्ट्रेच करने के बाद दूसरे पैर को रखेंगे एंड देन इसे उस वाले शोल्डर तक लेके जाएंगे। ध्यान रखें इसे रोटेशन नहीं करना, कई लोग इसे पूरा उस तरफ ले जाते हैं, उधर नहीं ले जाना, आपको शोल्डर की तरफ लेके जाना है, टूवर्ड योर शोल्डर। जैसे आप शोल्डर की तरफ लेके जाओगे तो ही आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच आएगा, वरना वो स्पाइनल रोटेशन बन जाएगा। इसे आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 रिलैक्स। मैं आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम डॉक्टर दीपक सोनी, डायरेक्टर ऑफ वेलबींग फिजियो, जयपुर, राजस्थान।